नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और सिलेबस जारी कर दिया गया है और यह सिलेबस है आपके नोटिफिकेशन संख्या 11 परीक्षा 2023 का। कब ये परीक्षा निकली थी, कभी नोटिफिकेशन निकला था और इतने दिन बाद इसकी परीक्षा योजना जारी की गई है, सिलेबस जारी किया गया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी मुख्य परीक्षाएं अब होती हैं सभी में 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसमें 1/4 नेगेटिव होगा। यूपी और कंप्यूटर हर प्रकार से इसमें मिलाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि यूपी और कंप्यूटर पूछा ही पूछा जाए। उसके बाद आपका जो ट्रेड से संबंधित, आपके जो जॉब प्रोफाइल है उससे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी और सब में यही होता आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो नक्शान 20 की पद निकले थे, 250 पदों में या 250 पद निकले थे इसके लिए, और कृषि विभाग के जो नियंत्रणाधीन थे मानचित्रक के, इसके 33 पद आपके टोटल निकले थे। कुल मिलाकर 283 पदों पर यह विज्ञापन निकला था और यह विज्ञापन आपका देखा जाए तो 18/12/2023 से 8/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन इसके आमंत्रित किए गए थे जो पीईटी के आधार पर किए गए थे। इसका पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था, इसका पाठ्यक्रम अभी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, हम लोग सीधा आते हैं। ये इसके बारे में लेटर है, लेटर में कुछ खास नहीं है, इसी को जारी करने का प्रावधान दिया गया था। अब आते हैं हम लोग परीक्षा योजना के बारे में। तो आप एक बार मोटे स्तर पर इसका पैटर्न देख लो कि आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 1/4 क्या होगा, 1/4 आपका निगेटिव होगा। अब आते हैं हम लोग बात इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसे 3 भागों में किया गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 3 को सबसे पहले देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा, यूपी की जानकारी पूछी जाएगी। भाग 2 में बात करें तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा और यहां से प्रश्न काफी अच्छे से बनते हैं। इन दोनों को टोटल मिला लिया जाए तो 20 और 15 आपके 35 क्वेश्चन यहां पे टोटल हो जाएंगे जो भाग 2 और 3 है, जो कॉमन पार्ट है। अब आते हैं भाग 1 जिसमें इन्हें फिर से 6 बिंदु अलग अलग दे दिए हैं। और फिर अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि नया सिलेबस है, ना आपको कोई किताब मिलेगी, ना आपको कोई इसका क्या मिलेगा, ना ही आपको कोई इसकी जानकारी मिलेगी और ना ही कहीं इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास कंटेंट मिलेगा, तो फिर बच्चे भटकते रहेंगे। बट मैं आपको यहां पर सुझाव देता हूं कि अगर आपने ये ट्रेड आपने किया हुआ है, आप अपने ग्रेजुएशन में, आप अपने एकेडमिक में, जहां पर भी आपने इससे संबंधित कोर्स किया है, वहां पर इन पाठ्यक्रमों को पढ़ा है, सबसे ज्यादा मदद आपको वही कर हैं। और इसके अतिरिक्त इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं, वो सब कुछ परीक्षा प्लस आपको हमेशा से उपलब्ध करवाता आ रहा है और इस बार भी इस परीक्षा के लिए भी बहुत भली बात उपलब्ध करवाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो इससे संबंधित आपको कंटेंट हुआ, इससे संबंधित कोर्स हुआ, ये सब कुछ आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलेगा। आते हैं बात करते हैं भाग 1 में दिया क्या। इसने ड्राइंग उपकरण एवं सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया, क्योंकि यहां पे आप देखो नुकसान 20 का है, मतलब कि आपको मैप बनाने वगैरह, मैप ड्रॉ करने का कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो ड्राइंग उपकरण होते हैं, जैसे आप लोग, कोई बच्चा इंजीनियरिंग किया होगा सिविल से या मैकेनिकल से, या आप किसी भी ट्रेड से इंजीनियरिंग किए होंगे, तो आपका जो पहले साल में जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है, वहां से आपको ड्राइंग उपकरण पढ़ने में मदद मिलेगा। आपको बता दे रहा हूं, गणना एवं चित्रण, यहां में थोड़ा सा मैपिंग और थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक से प्रश्न बनेंगे। यहां पे विभिन्न ट्रेड, आपके जो ट्रेड है उनसे बनेगा, भी सिलेबस दिखा देता हूं। वास्तुकला से भी प्रश्न बनेगा, तो ये थोड़ा सा बढ़िया आप बोल सकते हो दिलचस्प टॉपिक इसने इंक्लूड किया है। और उसके बाद 3D, 2D और GPS और जलवायु के बारे में प्रश्न पूछेगा, और उसके बाद फिर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पार्ट आपका ले रहा है वो स्टैटिस्टिक ही ले रहा है, कुछ मैथमेटिकल टाइप में इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 20 क्वेश्चन यहां पे है, बाकी 15 क्वेश्चन आपका जो ड्राइंग उपकरण है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह से पूछेगा, और उसके बाद 10 आपका 2D 3D से, 10 आपका विभिन्न ट्रेड से, और 5 आपका वास्तुकला से, 5 आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 65 नंबर आपके यहां पे कवर होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के सारे सिलेबस में 65 और 35 का रेशियो चलता आ रहा है, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया यहां पे लग गया होगा। एक बार हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं कि आखिर इसने सिलेबस में क्या रखा है। तो पाठ्यक्रम को देखते हैं, यहां पे 25% 1/4 अंक इसने नेगेटिव की बात की है। भाग 1 में कहते हैं ड्राइंग उपकरण में क्या पूछेगा, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरणों की परिचय। मैंने बताया ना कि अगर आप बीटेक वगैरह किए होगे, डिप्लोमा किए होगे, तो वो जो आप लेके जो तोप गोला लेके टहलते रहते थे, बस वहीं से पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग सीट की साइज क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टर कैसा होना चाहिए, ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, जो आपके सेट स्क्वायर होते हैं इनका उपयोग क्या है, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग क्या होता है, जिसे कैड बोलते हैं ना, कैड हो गया आपका,
कैट वगैरह आप लोग पढ़ते हो है ना, परिचय, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, सीएडी मतलब वही कैड, कैड के बुनियादी कमांड, यहाँ पे टूल टूल आइकन हो गया, टूल बार हो गया, कासेट का ज्ञान, शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड का ज्ञान, ये सब आपसे पूछेगा। उसके बाद गणना का चित्रण की बात किया जाए तो क्षेत्रफल की गणना करना, ज्यामितीय, यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण है, यहाँ पे आपसे परसेप्शन टेस्ट पूछेगा, अगर आप उस पर लाइट डालते हो तो किस प्रकार का फिगर बनेगा, जैसे आपका टेट्राहेड्रॉन वगैरह पढ़ते हो, चतुष्फलक पढ़ते हो, द्वादश फलक पढ़ते हो, यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा। प्रतीक एवं प्रदर्शन करना, विभिन्न मापनी का चित्रण करना, प्रक्षेप बनाना, वही मैं बोला प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन है वहां से क्वेश्चन बनेगा। आधार शेयरिंग एवं पॉड, यहां पे क्वेश्चन पूछेगा। ड्राइंग बनाना, आलेखन प्लॉटिंग करना, मानचित्रण मैपिंग करना, ट्रस छत करना, जो ट्रस वगैरह आप पढ़ते हो, यह थोड़ा मैकेनिक्स और सिविल का टॉपिक है, छत सीढ़ी और रैंप की ड्राइंग, तो ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। प्लंबिंग पाइप व पॉइंट्स की जानकारी, वाटर सप्लाई की जानकारी, सैनिटरी फिटिंग और सीवरेज की ड्राइविंग बनाना, रोड ब्रिज पुलिया की सेक्शनल ड्राइंग बनाना, लाइनों के प्रकार, हिंदी व अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान, स्केल के संदर्भ में ड्राइंग को पढ़ने व बनाने की योग्यता। तो बड़ा सिलेबस है और मेजर चंक आपसे यहीं से पूछा भी जा रहा है। विभिन्न ट्रेड में क्या पूछेगा, जैसे प्लंबिंग पाइप हो गया, वो पॉइंट्स की जानकारी हो गया, वाटर सप्लाई की जानकारी हो गया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गए, इन सारी चीजों के बारे में पूछा था, पूछा जाएगा, जो जनरली आईटीआई, एक आईटीआई किए हुए बच्चे से मान के चल सकते हो कि उसको ये नॉलेज होनी चाहिए। वास्तुकला से 5 नंबर पूछेगा, इसमें क्या है, पुराने भारतीय वास्तुकला की जानकारी, पत्थर एवं ईंट की जो आपकी चुनाई होती थी, चिनाई होती थी, वो मेहराब, आर्क, लिंटल कैसे पहले पड़ता था, जरीब होते थे, फीता टेप होता था, जैसे गोल्डन गोल्डन रेशियो वगैरह यहां से पूछ सकता है कि आपका गोल्ड प्रकार का ज्ञान क्या हो गया, तल मापक हो गया, उपकरणों के द्वारा सर्वे करना हो गया, समांतर प्रयोग किए जाने वाले भवन के भागों व स्थानों का ज्ञान होगा, बुनियादों के प्रकार आपसे पूछेगा। 2D 3D जीपीएस और जलवायु में क्या पूछेगा, 2D 3D ठोस का ज्ञान, क्या आपका 2 डायमेंशनल होता है, क्या आपका 3 विमीय फिगर क्या होते हैं, ज्ञान तथा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की जानकारी आपको बताना होगा, माइक्रो व मैक्रो जलवायु का ज्ञान होना चाहिए, फील्ड बुक में प्रविष्ट फील्ड बुक एंट्री होनी चाहिए, स्टेशन पॉइंट की स्थिति जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा ज्ञात करना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में इसने क्या पूछा है, उद्योग की सुरक्षा और सामान्य सावधानियों का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, पीपीआई का परिचय, आपात स्थिति का प्रतिक्रिया, बिजली की विफलता, आग, अलार्म आदि, इन सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बहुत बेहतर आपका सिलेबस बना दिया है, तो इसके लिए जो आपकी ईबुक हो सकती है, ये मैं आपके लिए जो किताबें हैं वो आप मार्केट में 300, 400, 500, 800, 900 तक मिलेगी, मैं आपको 20, 30, 50 रुपए में आपको ईबुक वो उपलब्ध करवा दूंगा, परीक्षा प्लस ऐप पे ईबुक सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इससे संबंधित जो भी डिजायर्ड नोट्स हो सकते हैं वो दे दूंगा। साथ में आपके लिए ये जो पार्ट है, जैसे भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया, कंप्यूटर हो गया, यूपी हो गया, इसकी मैं स्पेशल क्लासेस आपकी अभी से लगवा दूंगा, और इनमें भी जो स्पेशल टॉपिक है वो मैं आपको परीक्षा प्लस यूट्यूब पे लगवा दूंगा, वहां से कवर हो जाएगा, साथ में मैं आपको डेडिकेटेड नोट्स दूंगा, कुछ आपके टेस्ट करवा दूंगा। तो क्योंकि ये स्पेशल सिलेबस है, हर बच्चा लगभग यही स्केल पे होता है, सबके लिए नया ही है, तो बहुत पैनिक होने की बात नहीं है कि हम पढ़ेंगे कहां से, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, उसे देने के लिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर इसके बारे में डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको नोट्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें तो उपलब्ध करवाया ही जाएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।